नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग आता है विवेकानंद जी और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन का, कि जब विवेकानंद जी को धन की आवश्यकता थी, उन्होंने गुरु से कहा कि मुझे धन चाहिए। उन्होंने कहा, जाओ माँ से मांग लो। माँ के पास गए तो धन तो निकला नहीं, निकला कि मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, शक्ति दीजिए। वापस आए, रामकृष्ण जी ने पूछा कि मांगा माँ से धन? बोला, नहीं, ये तो निकला ही नहीं। उन्होंने कहा, जो आत्मा को चाहिए, जो जीवन के लिए ज़रूरी है, वो ज्ञान है। ज्ञान है तो धन तो अपने आप ही आ जाएगा। और सचमुच कितनी सार्थक सी बात है मित्रों ये, यदि व्यक्ति ज्ञानवान है तो धन, ऐश्वर्य, वैभव, सारे संसार की जो सुख सुविधाएं हैं उसके पीछे पीछे ही चलती हैं। तो क्यों ना हम भी सत्य ज्ञान के लिए उसके प्रकाश की ओर चलने का सुंदर संकल्प रखें। और यही है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। नमस्कार। ज्ञान धन से भी उत्तम है। हमें धन की रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान स्वयं हमारी रक्षा करता है। आज मनुष्य धन की रक्षा करने के लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन ज्ञान धन सबसे बड़ा धन माना गया है, क्योंकि जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, हमारे जीवन के अंदर और धन, यानी कि संतोष जन धन, प्रेम धन और भी कई प्रकार के धन अपने आप ही आते चले जाएंगे। दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि ज्ञान धन वो धन है जिसको हम जितना बांटते चले जाएंगे, ज्ञान धन बांटने से वो और भी अधिक बढ़ता चला जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सीक्रेट है। और दूसरा धन जो है, वो जितना हम खर्च करते हैं वो कम होता चला जाता है, लेकिन ज्ञान धन जो है बांटने से बढ़ता ही चला जाता है। तो आइए आज से हम अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन अवश्य ही ज्ञान धन को बांटें। मित्रों, ज्ञान केवल अध्यात्म का नहीं, ज्ञान केवल आत्मा और परमात्मा का नहीं, लेकिन ज्ञान इस संसार का भी और ज्ञान अपने तन का भी। तभी तो हम अपने तन को संपूर्ण स्वस्थ रख पाएंगे कि हम क्या खाएं, क्या पिएं और किस प्रकार की दिनचर्या अपनाएं। ये ज्ञान यदि सही सही रूप में होता है और उसका हम पालन करते हैं तो संपूर्ण स्वस्थ रहते हैं। मित्रों, आज 17 मई है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में इसे मनाया जाता है। कहा जाता है कि संसार का हर चौथा व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रस्त है। आज तनाव बढ़ता चला जा रहा है, हमारी रूटीन ऊपर नीचे होती चली जा रही है। कई प्रकार के कारण हो सकते हैं इसके, लेकिन हमें इससे मुक्त होना है। ये सुंदर संकल्प हमारे पास हो, क्योंकि स्वस्थ हैं तभी तो जीवन का संपूर्ण आनंद ले सकेंगे। तो आइए सुनते हैं आज इसके बारे में कि किस प्रकार हम इससे मुक्त हो सकते हैं और औरों को भी मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। लगभग भारत में अगर देखें तो हर तीसरे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है, और ये एक साइलेंट किलर कहलाता है। और जितनी भी हार्ट की बीमारियां हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उसमें 50% जो रोल है हाइपरटेंशन का है। जिनको हाइपरटेंशन होता है उसको तीन से पाँच गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट अटैक आने के, स्ट्रोक आने के, ब्रेन हेमरेज होने के, पैरालिसिस हो जाने के। तो दोस्तों, हर साल 17 मई को सारे विश्व में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। और इस साल जो थीम रखा गया है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, अपना ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली मेजर करें,
क्योंकि जो कई बार हमारे जो डिजिटल ब्लड प्रेशर्स होते हैं, दूसरे जो ऑपरेटर्स होते हैं या दूसरे ऑपरेटर्स हैं, उसमें एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं करते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है इसकी सही टेक्निक क्या है, वो हमें सीखनी चाहिए। नंबर्स भी हमें एक्यूरेटली आने चाहिए। एसी को भी अगर 140 बटा 90 से 140/90 से अधिक ब्लड प्रेशर है तो वो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके लिए हेल्दी डाइट, हेल्दी एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड मेडिटेशन। योगा का बहुत महत्व है, मेडिटेशन का बहुत महत्व है ब्लड प्रेशर को ठीक करने में, क्योंकि हाइपरटेंशन जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है अधिकतर, ये एक बहुत बड़ा कारण है बीमारी का। तो अगर आप स्ट्रेस को मेडिटेशन रेगुलर करते हैं तो इससे कम हो जाता है। अगर आपको डायबिटीज़ है या किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो आपका ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड प्रेशर को 130/80 से कम रखें। तो दोस्तों, इसका असर हमारे दिमाग पर होता है, हमारी आँखों में रेटिना पे रेटिनल हेमरेजेस हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस हो सकती है, हार्ट के मैंने ऑलरेडी बताया, और हमारी किडनीज ख़राब हो जाती हैं। तो ये जो बीमारी है एक खतरनाक है, किंतु प्रिवेंटेबल है। जब भी कभी आप रेगुलर अपना बीपी चेक कराएं और अपना प्रॉपर दवाई और प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और एडिक्शंस को अवॉइड करें और रेगुलर मेडिटेशन करें, तो इस बीमारी पर कंट्रोल पा सकते हैं। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं कि कही गई, सुनी गई या देखी गई बातें फिर भी गलत हो सकती हैं, लेकिन जो अनुभव की गई हैं वो बातें गलत नहीं होती। और यही कारण है कि जो अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव हमसे साझा करते हैं तो वो जैसे दिल को छूते हैं, अपील करते हैं, लगता है कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, और वो सामर्थ्य भी हम स्वयं में महसूस करने लगते हैं, प्रेरित होते हैं। और यही कारण है कि हमें भी रोज़ इंतज़ार रहता है विशिष्ट जन की बातें विशेष का, कि इस बार कौन विशिष्ट जन अपने अनुभव हमसे साझा करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं विठल जाधव जी, जो कि एक्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे हैं महाराष्ट्र के। आइए उनसे मिलते हैं और उनके सुंदर अनुभवों से लाभान्वित होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये स्पिरिचुअलिटी की या बाकी बातें एक ऐसा बिलीफ है लोगों के अंदर कि ये सर्टन एज के बाद, यानी एट ओल्ड एज ये सब सोचना चाहिए। हकीकत में वैसी बात नहीं है। मैं पर्सनली तो ये मानता हूँ ये स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से इसके प्रोपगेशन या उसकी नॉलेज या उसका अवेकनिंग होना चाहिए, और 100% ये अगर सक्सेसफुली ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, सभी जाति धर्म, इसमें कोई अध्यात्म में कोई जात धर्म का सवाल ही नहीं है, तो स्कूल से लेके देहातों में सब, हर इंसान को इसकी ज़रूरत है। ये अगर वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे तो क्राइम भी आप छोड़िए, पुलिस स्टेशन छोड़िए, हॉस्पिटल छोड़िए, लॉयर्स, कोर्ट्स, कचहरी, कुछ जरूरत नहीं होगी। पुराने जमाने में जो सही रामराज्य था, वो सही रामराज्य दोबारा लाने की ताकत ब्रह्मा कुमारी के विचारों में और कामों में है। मित्रों, हम इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि एक नन्हे से कोमल पौधे को कहीं भी झुकाया जा सकता है, किसी भी दिशा में, लेकिन यदि वो वृक्ष का रूप ले लेता है तो उसे फिर झुकाया नहीं जा सकता, केवल काटा जा सकता है। वैसे ही कच्ची मिट्टी को भी कोई भी आकार दिया जा सकता है, यदि वो पक जाए तो फिर आकार नहीं दिया जा सकता, केवल वो टूट सकता है। ठीक ऐसे ही छोटे बच्चों में जो भी बातें, संस्कार, अच्छी आदतें हम डाल देते हैं, वही फिर आगे चलकर उसे या तो सफल अच्छा इंसान बनाते हैं या फिर गलत राह पर भी ले जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि छोटे बच्चों को सुंदर अच्छे संस्कार दिए जाएं, उनका बाह्य के साथ साथ आंतरिक भी विकास किया जाए, सर्वांगीण विकास किया जाए। इस पर विशेष ध्यान देते हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें, और इसीलिए वो बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन करती हैं। ऐसे ही समर कैंप का आयोजन किया गया इंदौर में, आइए देखते हैं उसका सुंदर सेवा समाचार। ब्रह्मा कुमारीज इंदौर कालानी नगर सेवा केंद्र पर बच्चों के चारित्रिक और नैतिक विकास के उद्देश्य को लेकर
7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 5 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों ने भाग लिया। ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू से पधारे ब्रह्मा कुमार, देवान भाई, लिटिल अल्केमिस्ट स्कूल की डायरेक्टर मधु जैन, ज्ञान सरोवर अकादमी के डायरेक्टर अशोक सोलंकी, शासकीय विद्यालय की सहायक अध्यापिका कृष्णा सिसोदिया, वेदांश इंटरनेशनल स्कूल की अध्यापिका दीपिका सोनी तथा सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 7 दिवसीय समर कैंप में अलग अलग विषयों जैसे गुड हैबिट्स, शार्पनिंग माइंड पावर, सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस, फ्रेंडशिप विद गॉड, हेल्थी लाइफ, हैप्पी लाइफ आदि विषयों पर बी के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सेशन लिए गए। इस कार्यक्रम में अनेक प्रतियोगिताएं जैसे लेमन रेस, चेयर रेस, रस्सी कूद, 1 मिनट चैलेंज, क्विज कंपटीशन आदि रखी गई, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही बच्चों को अनेक प्रकार के स्किल्स जैसे पेंटिंग, डांसिंग, फिजिकल योगा, मेडिटेशन, ग्रीटिंग कार्ड मेकिंग आदि भी सिखाए गए। समर कैंप के अंतिम दिन बच्चों का कल्चरल तथा फैंसी ड्रेस प्रोग्राम रखा गया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बच्चों को ब्रह्मा कुमारी जयंती दीदी द्वारा पुरस्कार व सर्टिफिकेट दिया गया। मित्रों, कहते हैं कि सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी हमें डूबता हुआ प्रतीत होता है। सचमुच ज्ञान ही तो है ना, जिसके द्वारा हमें चक्षु मिलते हैं। ये चक्षु तो हमारे पास हैं, लेकिन वो चक्षु जिसके माध्यम से हम सत्य और असत्य को समझ सकते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ सकते हैं, जीवन में सफलता की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है, जीवन को सुख शांति में कैसे बनाया जा सकता है, हम ये समझ सकते हैं। सचमुच इस ज्ञान की नितांत आवश्यकता है, जो हमें प्राप्त भी होती है। लेकिन एक बात और मित्रों मैं कहना चाहूँगा, जो कल हम लोगों ने बात छेड़ी थी बुद्ध पूर्णिमा के दिन, खास हमने देखा कि गौतम बुद्ध जी के पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, राजकुमार थे, लेकिन वो कौन सा ज्ञान था जिसकी कमी थी। उस कमी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने धन को पीछे छोड़ दिया और उस सत्य की ओर बढ़े और उस सत्य ज्ञान को प्राप्त करके सारे संसार को प्रकाशित किया। तो आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम भी उस सत्य ज्ञान को ज़रूर समझें, प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि वो अंतर को प्रकाशित कर देता है और सारा संसार फिर हमसे प्रकाशित होने लगता है। आज कहीं हम धन के पीछे तो नहीं भाग रहे हैं, जिस धन को छोड़कर बुद्ध जी सत्य ज्ञान की ओर चले थे, हम भी सत्य ज्ञान की ओर बढ़ें। जब ज्ञान होगा, धन स्वतः हमारे जीवन में हर प्रकार से शामिल होता चलेगा। गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों इस पर और अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।